सीबीएसई के क्लास 10th और क्लास 12th के मेरे प्यारे बच्चों और हमारे सम्मानित अभिभावकों, मैं उमानाथ पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का इस बहुत ही खास वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं उन चार महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में जो इस बोर्ड एग्जाम में लागू हो रहे हैं और आपको भी इनके बारे में जानना चाहिए। साथ ही में मैं डिस्कस करूंगा सीबीएसई के प्राइवेट इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट और एडिशनल सब्जेक्ट के बच्चों के फॉर्म फिलिंग और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आप हमें कमेंट करके ये बता दीजिए कि कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपने अपना फॉर्म भर दिया या नहीं भरा, और अगर भर दिया है तो क्या आपने अपना जो कन्फर्मेशन पेज है जो आपको मिला था, कन्फर्मेशन तब मिलता है जब आपका फॉर्म फिलिंग हो जाता है, तो उसे चेक किया कि नहीं चेक किया। अगर नहीं चेक किया है और आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो आप हमारे पास भेजिए हमारे व्हाट्सएप नंबरों पर, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ कमेंट करके बता दीजिए कि आपने हमें कन्फर्मेशन पेज भेजा है, तो हम आपको चेक करके अवश्य बताएंगे। यहाँ भी आप अपना नाम लिखिएगा और वहाँ भी आप अपना नाम लिखिएगा और बताइएगा कि हम आपका YouTube वीडियो देख करके आए हैं, तो कन्फर्मेशन पेज चेक करके बताएंगे हम कि आपके कन्फर्मेशन पेज में कहीं कोई कमी तो नहीं है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक तो अपना फार्म ही नहीं भरा है और रोज़ लास्ट डेट पूछने वाले सैकड़ों मैसेज हमारे पास आते हैं कि सर लास्ट डेट बता दीजिए। तो लास्ट डेट जान करके करेंगे क्या आप लोग? अभी फॉर्म भरना है भर दीजिए। वैसे अगर जानना ही है तो जान लीजिए कि 16 अक्टूबर लास्ट डेट है बिना लेट फीस के, और अगर लेट फीस 2000 रुपया देना चाह रहे हैं तो एक दो दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, लेकिन एक हफ्ते पहले आपका फॉर्म फिल हो जाना चाहिए था। इस साल हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की टीम ने 3772 के आसपास आज तक फॉर्म फिलअप करवाए हैं और अभी भी हमारे पास सैकड़ों की संख्या में बच्चों के फॉर्म फिलिंग के ऑर्डर्स हैं जिनको ये लगता है कि हमारा फॉर्म फिलिंग अच्छे से हो जाए। अगर आपने भी फॉर्म फिलिंग नहीं करवाया है और करवाना है तो साइबर कैफे से फिल करवाने से बेहतर है कि आप हमारे एक्सपर्ट्स की टीम से फिल करवा लें, तो अच्छे से फॉर्म फिल होकर के कन्फर्मेशन पेज आपको विद इन टाइम आपको भेज दिया जाएगा और कोई मिस्टेक नहीं होगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत कम टाइम है, नहीं भरा है तो भरवा लीजिए कहीं से भी, और अगर आप हमारे एक्सपर्ट्स की टीम से भरवाना चाहते हैं तो वो भी सुविधा उपलब्ध है, जल्दी से व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिए। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने पढ़ाई शुरू कर दी होगी, तैयारी शुरू कर दी होगी, जैसे भी आप पढ़ रहे हैं अगर आप हमारे ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेंगे ना तो आपकी पढ़ाई में 4 चांद लग जाएगा। और अगर आपके पास होने की संभावना 10% है, आपको लग रहा है कि मैं शायद ही पास कर पाऊँ, तो हम उसको 100% तक पहुँचाएँगे, ये हम आपको वादा करते हैं, ये आपको भरोसा दिलाते हैं, क्योंकि पिछले 7 सालों में 50,000 से ज़्यादा बच्चे हमारे ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़े हैं और 90-95% के बच्चे हर साल पास हो जाते हैं। तो क्या है वो डिटेल, उसके बारे में आप हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पूरा डिटेल मिलेगा। इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, वहाँ से भी आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो बच्चों, 4 इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पहला तो ये कि आप लोगों के क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन चेंज हो गया है। जैसा पेपर, क्वेश्चन पेपर पिछले सालों में आया है या पिछली बार आया है, उससे थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। कुछ सब्जेक्ट में ना के बराबर परिवर्तन हुआ है तो कुछ सब्जेक्ट में ज़्यादा के बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। हालांकि इतना ज़्यादा नहीं हुआ है कि आपको घबराना पड़े या आपको ऐसा कुछ महसूस हो, लेकिन परिवर्तनों के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। तो अब आप कहोगे सर पता कैसे लगेगा? CBSE की एकेडमिक वेबसाइट पर जाना है, CBSE एकेडमिक सर्च कीजिए गूगल पे, उसकी एकेडमिक वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से करिकुलम 24-25 डाउनलोड कर लीजिए और उसमें अपने क्लास के हर सब्जेक्ट का करिकुलम डाउनलोड कीजिए। उसमें क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन उन्होंने शेयर किया है, सिलेबस भी दिया हुआ है। आप वहीं उसी वेबसाइट से सैंपल क्वेश्चन पेपर भी डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न दिया हुआ है। तो थोड़ा सा बदलाव सिलेबस में, ज़्यादा सा बदलाव करिकुलम में, वो तो सॉरी क्वेश्चन पेपर के डिज़ाइनिंग में, ये सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चन पेपर्स में जो स्किल बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी ग्रेविटी बढ़ाई गई है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस अब आएंगे जो सीधे सीधे आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, अब आपको क्वेश्चंस को समझने में समय देना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ सब्जेक्ट में ज़्यादा हुए हैं, कुछ में कम हुए हैं, तो ढंग से जा करके देख लीजिए। अगर आपको समस्या हो रही है तो आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए, हम आपको पूरा गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, आप में से बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि हमारा सिलेबस क्या है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ
अगर आपको पता है तो ये बुरा मत मानिएगा आपको, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम उन बच्चों से ज़्यादा जुड़े हैं जो किसी न किसी वजह से पिछले एक दो सालों में फेल हुए हैं, या कुछ बच्चे तो ज़्यादा बार फेल हुए हैं। अब उनको आइडिया ही नहीं है कि हमें पढ़ करके क्या क्या जाना है। कुछ बच्चे अभी, जैसे 10th क्लास का एक बच्चा था, उसके पास NCERT की पुरानी कोई किताब थी जिसमें चैप्टर नंबर 5 दिया हुआ था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। वो बच्चा उसको तैयार कर डाला और हमसे मैसेज किया कि सर ये मेरा चैप्टर तैयार हो गया है, 2 साल हो गया उस चैप्टर को हटे हुए। सुन करके बड़ा तरस आता है, तो एक बार बेटा लापरवाही ना करो, जा करके सिलेबस अपना डाउनलोड कर लो। करिकुलम के नाम से CBSE की एकेडमी वेबसाइट पर सिलेबस दिया है, उसमें कुछ बदलाव हुए हैं, कुछ टॉपिक्स हटाए गए हैं या कुछ कम किए गए हैं, उसको जा करके अच्छे से नोट कर लीजिए। और जब आप नोट्स बनाएं ना, तो नोट्स का जो पहला पन्ना हो हर चैप्टर का, उसमें टॉपिक्स लिखा होना चाहिए जैसे आपकी NCERT की बुक में लिखा होता है कि इस चैप्टर में ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो जब टॉपिक्स लिखे होंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, आपको जो चेंजेस हुए हैं वो पता होने चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमारे पास मैसेज आया है, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर कुछ टीचर्स ऐसा बोल रहे हैं कि इस बार का क्वेश्चन पेपर टफ आएगा। तो देखो बच्चों, आपको डरना नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा समय है। हर साल क्वेश्चन पेपर हार्ड आता है और ईजी आता है, मतलब ये है कि जो बच्चे पढ़ के जाएंगे उनके लिए ईजी होगा, और जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए वो इजी वाला क्वेश्चन पेपर भी हार्ड होगा। तो हर साल लोग कहेंगे हार्ड आता है, कुछ बच्चों के लिए वो हार्ड लगेगा, वो कहेंगे सर आपने सही बोला था। तो ये कॉमन सी बात है, यूट्यूब पर बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। तो डरा करके अगर कोई आपसे पैसा ले रहा है कि बहुत हार्ड आएगा, मुझे इतना पैसा दे दो मैं तुम्हें ये करा दूंगा वो करा दूंगा, तो किसी के चक्कर में मत पड़ो। अच्छे से अपना एक स्ट्रेटजी बनाओ, पढ़ाई करो। क्वेश्चन पेपर हमेशा एक स्टैंडर्ड का होता है और वो स्टैंडर्ड CBSE मेंटेन करती है हर साल, तो ना ज़्यादा हार्ड आएगा और ना ज़्यादा इजी आएगा। क्योंकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन पेपर आएगा, इस बार हलवा आएगा, क्योंकि अगले साल 2 बोर्ड एग्ज़ाम होने हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों के स्कूलों में ऐसा कोई परिवर्तन का लेटर नहीं आया है। अगर सिलेबस में, करिकुलम में, क्वेश्चन पेपर की डिज़ाइन में, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में कोई परिवर्तन होना होता है, कुछ भी होना होता है, तो हमारे स्कूलों में CBSE एक ऑफिशियल लेटर भेजती है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। तो जो डरा रहे हैं उनके चक्कर में मत पड़ो, क्वेश्चन पेपर का सैंपल पेपर देखो, वैसे ही आपका आएगा, थोड़ा सा लेबल ऊपर नीचे होगा, क्वेश्चन पूछने की के तरीके बदले हो सकते हैं लेकिन टॉपिक्स वही रहेंगे। और एक और चीज़, CBSE ने अपने वेबसाइट पे, करिकुलम वाली वेबसाइट या एकेडमिक वाली वेबसाइट पर कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक जारी किए हैं। तो जिन बच्चों को असुविधा है, गरीब हैं, पढ़ने का बहुत संसाधन उनके पास नहीं है, वो लोग जाएं उसको खोलें, तो वहाँ से उनको कुछ क्वेश्चन, मतलब कुछ सब्जेक्ट के, सभी सब्जेक्ट का तो अवेलेबल नहीं है लेकिन कुछ सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक्स हैं वहाँ पर अवेलेबल हैं। और ऐसा बच्चों ने हमें बताया है पिछले सालों में कि सर उनके क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चेंज करके पूछे गए हैं या डायरेक्टली भी कुछ आए हैं। तो जो CBSE ने जारी किया है उसको निश्चित रूप से आप डाउनलोड करके एक बार पढ़ लें तो बहुत बेहतर होगा। एक और बात बच्चों, ऐसा पिछले सालों में भी हमने देखा है और इस साल भी हमने देखा है कि कुछ सब्जेक्ट का जो लेबल है वो CBSE कभी नहीं गिराती है। जैसे क्लास 12th में मैथ्स, अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कुछ हद तक बायोलॉजी, ये ऐसे पेपर्स हैं जिनका लेवल बहुत नीचे नहीं जाता, बहुत इजी पेपर नहीं बनता है। हर बार बच्चों को शिकायत होती है कि बहुत हार्ड पेपर बनाया है। तो देखो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जिस चीज़ के बारे में आपको पता हो कि हमें यहाँ ज़्यादा मेहनत करना है, तो उसके लिए आप टाइम टेबल में ही उस सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दो जो सब्जेक्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पिछले साल क्लास 10th में साइंस और स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर टफ आया। साइंस का तो कंपैरेटिवली पिछले सालों से इजी था, लेकिन क्लास 10th के स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर थोड़ा हार्ड आया। तो ऐसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं इन सब्जेक्ट्स को, मैं अभी से आपको थोड़ा सा अलर्ट कर रहा हूँ कि गंभीरता के साथ पढ़िएगा, लापरवाही मत करिएगा। क्योंकि अगर कोई बोल दे रहा है कि बहुत ईजी आएगा तो ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड का पेपर आता है तो कम से कम आप इस तरीके से पढ़ करके जाएं कि आपको बाद में निराशा ना लगे, हाथ ना लगे।
जिन बच्चों ने अपना फॉर्म भर दिया है उन लोगों को एडमिट कार्ड जनवरी के लास्ट में मिलेगा, ऑनलाइन आएगा और वो अपना एप्लीकेशन नंबर डाल करके डाउनलोड कर पाएंगे। आपके कन्फर्मेशन पेज में एप्लीकेशन नंबर दिया है तो जनवरी तक का इंतज़ार करना है, उसके पहले जनवरी या हो सकता है कि नवंबर लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों का शेड्यूल आ जाए, टाइम टेबल आ जाए। 15 फरवरी के आसपास आप लोगों की परीक्षाएं शुरू होनी हैं, जनवरी से 1 जनवरी से आप लोगों का बोर्ड ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। जिन बच्चों ने प्राइवेट इम्प्रूवमेंट या कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा है और पहले प्रैक्टिकल दे चुके हैं उन्हें प्रैक्टिकल नहीं देना होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो आपके लिए बड़े काम की थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और अगर किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, नंबर दिया है। और अगर अभी तक आपने हमारा ऑनलाइन गाइडेंस प्रोग्राम ना ज्वाइन किया हो तो सिर्फ 1,000 रुपये एक सब्जेक्ट की फ़ीस है, ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आज आपको हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो 1,000, लेकिन जिस दिन पास हो जाएंगे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, उस दिन ये कुछ भी नहीं लगेगा। और अगर किसी वजह से बच्चा कोई फेल हो गया तो उसको कितने 1,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, कितना टाइम वेस्ट होता है, इसको सोच समझ करके अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर कैरियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।